हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सिक्स सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर थर्ड होल नंबर एंड टुडेज अवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स. प्रॉपर्टीज फर्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन. क्लोजर प्रॉपर्टी, इफ यू ऐड टू होल नंबर्स देन द सम विल ऑलवेज बी अ होल नंबर. अगर हम दो होल नंबर्स को सम करते हैं तो हमारा आंसर भी एक होल नंबर ही आता है. इसे हम द क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कहते हैं. जैसे यहाँ पे x और y दो होल नंबर्स थे, हमने इनको ऐड किया तो हमारा आंसर z आया, वो भी एक होल नंबर है. एग्जांपल 3 और 4 को प्लस किया, आंसर 7 आया. 7 इज़ अ होल नंबर. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. व्हेन टू होल नंबर्स आर एडेड, जब दो होल नंबर्स को ऐड किया जाता है, द सम डज नॉट चेंज इवन, उनका सम चेंज नहीं होता है. इफ़ द ऑर्डर इन विच द नंबर्स आर एडेड इज चेंज, अगर हम उनके ऑर्डर को भी चेंज कर देते हैं तो उनका जो आंसर है वो चेंज नहीं आता है. इस प्रॉपर्टी को हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कहते हैं. एग्जांपल एक्स और वाई यहाँ पे दो होल नंबर हैं, हमने एक्स वाई को प्लस किया, उनके ऑर्डर को चेंज किया, अब हमने वाई को पहले लिखा और एक्स को बाद में लिखा. एग्जाम्पल जैसे 71 और 19 को प्लस किया, हमारा आंसर 90 आया. अब हमने 19 पहले लिखा और 71 को बाद में लिख के प्लस किया तो भी हमारा आंसर 90 आया. ये प्रॉपर्टी हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कहलाती है. थर्ड है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. व्हेन वी ऐड थ्री और मोर होल नंबर्स, जब हम दो या दो से ज़्यादा तीन से ज़्यादा होल नंबर्स को ऐड करते हैं, द नंबर कैन बी ग्रुप्ड, और उनके ग्रुप को चेंज करते हैं, तब भी उसका जो आंसर है वो सेम आता है. ये प्रॉपर्टी हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कहलाती है. यहाँ पर हमने तीन होल नंबर लिए एक्स वाई और जेड, हमने इन तीनों को प्लस किया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, वाई और जेड को एक ग्रुप में रखा, अब हमने बराबर करके इधर ग्रुप चेंज कर दिया, हमने वाई एक्स और वाई को एक ग्रुप में लिया, जेड को अलग रखा. देखते हैं हम 11 ये x है प्लस 13 प्लस 15, हमारा आंसर आया 39. 13 और 15 को ऐड किया 28 आया, आंसर आया 39. अब हमने ग्रुप चेंज कर दिया, अब हमने पहले 11 और 13 को प्लस किया फिर 15 प्लस किया, तो 24 में 15 को प्लस किया, हमारा आंसर आया 39. तो दोनों कंडीशन में द सम रिमेन द सेम, आंसर जो है वो सेम रहता है. Additive identity. When zero is added to any whole number, the value of the whole number remains the same. जब हम zero को किसी भी whole number के साथ add करते हैं तो जो हमारा answer है whole number remains the same, वो same ही रहता है. Like x plus zero equal to x या फिर zero plus x equal to x. Example 6 में zero को plus किया या जीरो में सिक्स को प्लस किया, दोनों कंडीशन में हमारा आंसर सिक्स आया. इसे हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं. नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्ट्रैक्शन. अभी हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन पढ़ा था, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्ट्रैक्शन करेंगे. क्लोजर प्रॉपर्टी. व्हेन वन होल नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अनदर होल नंबर, जब हम एक होल नंबर को दूसरे होल नंबर के साथ माइनस करते हैं, द डिफरेंस इज नॉट ऑलवेज अ होल नंबर, तो हमारा जो डिफरेंस है हमेशा होल नंबर नहीं आता है, एक ही होल नंबर नहीं आता है. इफ़ एक्स एंड वाई आर टू होल नंबर्स, यहाँ पे एक्स और वाई टू होल नंबर से आंसर आया जेड, देन जेड इज़ नॉट ऑलवेज अ होल नंबर, जेड हमेशा एक होल नंबर नहीं होगा, जेड विल बी अ होल नंबर ओनली. जेड होल नंबर कब होगा, जब हमारा एक्स वाई से बड़ा होगा. एग्जाम्पल 37 ये एक्स है 6 वाई है, 37 6 से बड़ा है तो हम माइनस करेंगे, हमारा आंसर आया 31 इज़ अ होल नंबर. बट अगर हमने 6 से 37 को माइनस किया तो हमारा आंसर माइनस में आएगा, सो इट इज़ नॉट अ होल नंबर. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. सब्स्ट्रैक्शन ऑफ टू होल नंबर्स इज़ नॉट कम्यूटेटिव, अगर हम दो होल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो कम्यूटेटिव नहीं होते हैं. यानी इफ़ एक्स एंड वाई आर टू होल नंबर्स, यहाँ पे एक्स और वाई दो होल नंबर है, अगर हमने इनके ऑर्डर को चेंज किया, पहले वाई को लिखा फिर एक्स को लिखा, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इस पर फॉलो नहीं होती है. दस द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर द सब्स्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर्स, यानी
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल नंबर्स के सब्सट्रैक्शन पे फॉलो नहीं होती है। एग्जांपल हमने ये 75 में से 67 को माइनस किया, हमारा आंसर आया 8। अब 67 में से 75 को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा -8, इसलिए ये इस पे वर्क नहीं करती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर सब्सट्रैक्शन ऑफ होल नंबर। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में जब हम दो या वो तीन से ज़्यादा होल नंबर्स को लेते हैं और उनके ग्रुप को चेंज करते हैं तो ये सब्सट्रैक्शन पे वर्क नहीं करती है। एग्जांपल एक्स, वाई और जेड तीन होल नंबर्स हैं, हमने इनका ग्रुप बनाया, वाई और जेड का पहले ग्रुप बनाया, बाद में एक्स और वाई का ग्रुप बनाया, तो ये आंसर हमारा सेम नहीं आता है। 18 - 7 - 6, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, आंसर आया हमारा 17। अब हमने ग्रुप चेंज कर दिया, पहले 18 और 7 को माइनस किया, फिर 6 को माइनस किया, हमारा आंसर आया 5। इसलिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्सट्रैक्शन पे वर्क नहीं करती है। सब्ट्रैक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो, व्हेन वी सब्ट्रैक्ट ज़ीरो फ्रॉम अ होल नंबर, अगर हम ज़ीरो को किसी भी होल नंबर से माइनस करते हैं द वैल्यू ऑफ होल नंबर रिमेन्स द सेम, हमारा आंसर सेम रहता है। एग्जाम्पल 59 में से ज़ीरो को माइनस करो या ज़ीरो से 59, आंसर सेम आएगा, 59 ही आएगा। 84 - 0, 84 ही आएगा। थैंक यू।